राम जी अपनी चिड़िया भेजते हैं, आप 10% दान करिए, और नहीं करेंगे तो वो वसूल ना जानता, धंधे में नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, आप जितना बचा रहे हैं उससे ज्यादा वसूलता है वो। अच्छा, फिर जब वो वसूलने उतरता है तो उसकी चिड़ियाओं से सेटिंग भी नहीं होती, बाकी डिपार्टमेंट में तो आप कर लोगे दाएं बाएं तो निपट गया मामला, यहां नहीं निपटता, ले जाएगा। आप लोग यहां आए हैं अपना दशांश दान करने ही आए हैं, मैं तो जितने लोगों को जानता हूं उनसे आग्रह करता हूं मत बचाना, 10% दीजिए, जहां देना चाहें, कथा में दीजिए, मंदिर में दीजिए, अनाथालय में दीजिए, किसी गरीब की बेटी में दीजिए, कोई योग्य अशिक्षित रह रहा उसको दीजिए, भगवान ने आपको बहुत दिया है, अपना दशांश मत दबाइए, वो ले लेगा। जब लोग कुंभ में आते हैं मुझसे जितने लोग मिलते हैं, मैं कहता हूं पहली बात कोर्स करिए, दूसरी बात अन्न क्षेत्र में दान करिए मुक्त हस्से, मैं जानता हूं वो अपने हिस्से का वसूल लेता है। अच्छा, भगवान को वसूलना रहता है तो वो टेंशन देना शुरू कर देता है, ये जो जीवन में हमको तनाव मिलता है, परेशानी मिलती है, ये भी उसी का दिया आइटम है, आप ये मत समझना को माध्यम कोई और बन जाता है। आज बात निकली तो मैं आपसे कहना चाहूंगा क्षमा याचना के साथ, क्योंकि मूल अपराधी मैं हूं, इसलिए मैंने अनेक लोगों को आमंत्रित किया कि आप हनुमत धाम आइए, आप सब आए मेरे आमंत्रण पे आए, और जो भौतिक और व्यवहारिक सुविधाएं हम हनुमत धाम के प्रबंधन के रूप में आपको दे सकते थे या हमें देना चाहिए, वैसा हम नहीं दे पाए, मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से, बल्कि 2-3 दिन क्या 22 तारीख से देख रहा हूं, कुछ लोगों को बहुत परेशानी हुई, सचमुच हुई, मुझे बड़ी पीड़ा हुई, आप हमारे आमंत्रण पे आए। अब इसका एक दृष्टिकोण तो यह है कि भैया आपके प्रारब्ध में पीड़ा होगी तो यहीं आके भोगो, अब हम क्या कर सकते हैं, हम भी भोग रहे हैं आप भी भोगो, तो अगर ये सोच के भोग लोगे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे कि अपने ही कर्म में वो तो जड़ भरत के रूप में भेज दी राम जी ने चिड़िया, सचमुच मैं देख रहा हूं। इसका एक बड़ा कारण है व्यवहारिक रूप से जो प्रबंधन हमने करना था वो कहीं फेल हो गया। कल 3-3 घंटे तक मैंने लोगों को प्रतीक्षा करते देखा, जिस कॉटेज में उनको ठहरना था नहीं ठहर पाए, सचमुच इसमें अपराधी है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। और आज जब हम स्नान करने जा रहे तो एक भाई ने हमसे कहा, मैं उस भाई से पूरी तरह सहमत हूं, उसने कहा पंडित जी व्यवस्था जैसी हम सोच रहे थे वैसी नहीं है, तो हम जा रहे हैं आज जल्दी। मैं भी नहीं रोक पाया क्योंकि मुझे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं नहीं दे पाऊंगा इनको व्यवस्था, 2-3 कारणों से सब गड़बड़ा गया है, एक तो ये जिस संख्या में हमने उम्मीद की उससे ज्यादा लोग आ गए, 3 बार पाइपलाइन फूट गई, 3 बार निर्माण के समय इसमें पानी घुस गया, किसको रोने जाएं, जिस विभाग से पूछो वो कहता है कि नहीं है, बार बार इतनी बार लाइट गई। और 4 दिन पहले तो सज्जनों देवियों आपको आश्चर्य होगा कि मैं जयपुर और रायपुर ये फोन करने वाला था कि मैं क्षमा चाहता हूं हनुमत धाम में कथा नहीं हो पाएगी, इतना तेज तूफान आया कि ये सब उड़, ये जो आप देख रहे हैं ये तो 5-10 लोग यहां बैठे हैं, उन्होंने कैसे निर्माण किया ये पंडाल, इस तरह से उड़ा था आंधी में कि एक बार लगा था कि कुछ नहीं हो सकता, ये सारे पंखे मुड़ गए, ये सब उड़ गया। और ऐसा नहीं दूसरे कैंप में, पर हमारा तो हुआ ही, तो हमको एक बार, ये बैठे प्रदीप जी वो पसारी जी क्या दौड़े मिले जी, सर कैसे बनाया आप आश्चर्य करते हैं, शाम को कार्यक्रम ये सब उड़ गया। तो ऐसा 3-4 बार हो गया, तो हमने भी अपने को समझाया कि पंडित ये तुम्हारे भी प्रारब्ध का ही भोग है, तुम भी भोगो बेटा, तुमने उड़ाई चिड़िया सेटिंग की होगी तो वो निपटा गई तुमको, तो पीड़ा तो मुझे भी हो रही है कि मेरे घर आप अतिथि बन के आए और आपको जाना पड़े, तो ये कितने दुख की बात है, पर अब हम भी लाचार हो गए, मैं मेरे प्रारब्ध को भोग रहा हूं, आप अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, आप बिल्कुल ये मत सोचना। व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे, शरीर के दृष्टि से देखेंगे तो शरीर बार बार कहेगा बहुत तकलीफ हुई, एसी नहीं मिला, कूलर नहीं मिला, एक कमरे में 2 लोग सोते हुए 30 साल हो गए, पंडित जी ने 6 लोग सुला दिए, साफ पंडित जी को हो सकता है शरीर साफ भी दे रहा हो, शरीर पर टिकेंगे तो पंगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आत्मा पे जाएंगे तो आत्मा कहेंगे भैया अपने अपने के भोग रहे हैं, पंडित पंडित का भोग रहा है, तुम तुम्हारा वो। लेकिन क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपसे, और आज तक हम व्यवस्था नहीं जुटा पा रहे हैं, अभी भी यही हाल है, अभी भी मैं चार्ट देख रहा था आने के पहले, और जब मैंने देखा तो हमारे साथ तो सब समझदार लोग, आप इतने प्यारे लोग हैं कि मेरे को देखते ही मुस्कुराने लगते हैं एकदम, जबकि मुझे मालूम है बहुत तकलीफ में चल रहे हैं। तो कुछ लोग जा रहे थे, मैं स्नान, मैंने पूछा ये जा रहे हैं तो इनका चेकआउट हो गया क्या, बोले हाँ इनका फॉर्मल चेकआउट है, मतलब ये रूटीन का चेकआउट है, इनको जाना ही है, तो उसने बोला ये नॉर्मल चेकआउट है। अच्छा, तो मैंने कहा एबनॉर्मल कब शुरू होगा, बोले पंडित जी 1 बजे से लाइन लगने वाली है,
एक तो नॉर्मल चेकआउट है कि जिसको जाना है, और एक एबनॉर्मल चेकआउट है कि पंडित जी अब रह नहीं सकते। और ठीक बात है, मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या करें भैया, बहुत प्रयास किया, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं किया, लेकिन जो लोग जुटे आपको नहीं मालूम, कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत किया है, बहुत किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, भाइयों और भाभियों ने कहा कि भैया तेरा हमारा नहीं चलेगा, तेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से। और जड़ भरत ने कहा कि रवि कौन रहा था, और जड़ भरत जी वहाँ से चल दिए, एक मंदिर में जाके बैठ गए। और संयोग से सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि एक भील राजा के यहाँ संतान का जन्म नहीं होता, तो भील राजा को किसी ने कहा कि नर बलि दो तो संतान हो जाएगी। तो राजा ने कहा ढूंढ के लाओ, नर बलि के लिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो हर्षपुष्ट हो, अपने काम आ जाए। सैनिक और मंत्री नर बलि के लिए किसी को ढूंढने निकले तो देखा मंदिर में जड़ भरत बैठे हुए, बड़े हर्षपुष्ट, बड़े सुंदर भी दिखते थे। बस पकड़ लिया, कहा चलो। जड़ भरत को अपना तो कोई आग्रह रहता नहीं था, तो जड़ भरत तुरंत कहने लगे चलो। वो जो सैनिक लेने आए थे उन्होंने कहा जानते हो तुमको कहाँ ले जा रहे हैं? बोले आप बता दो। बोले तुम्हारी बलि दी जाएगी। जड़ भरत कहते हैं दे देना। अब ये घबराए, अजीब आदमी है भाई, किसी से कहो कि तुम्हारी बलि दी जाएगी तो या तो वो आपको मार के भागा या खुद भागे, और ये कह रहा दे देना। तो इन्होंने कहा तू जानता है नर बलि का मतलब? थोड़ी देर बाद राजा के सामने तुम्हें प्रस्तुत करेंगे और तुम मर जाओगे। जड़ भरत कहते हैं मरना तो एक दिन सबको है, चलो ना। ले आए, राजा से कहा कि राजा ने देखा, बोले और बहुत अद्भुत बलि लाए हो, चलो खड़ा कर दो इसको भद्रकाली देवी के सामने। भद्रकाली देवी के सामने जब जड़ भरत को खड़ा किया गया, चट्टान पे उनका मस्तक रखा, और एक व्यक्ति तलवार लेके खड़ा हो गया, जल्लाद, आदेश दिया गया कि गर्दन उतार दो इसकी। तो जड़ भरत ने गर्दन मोड़ के उस व्यक्ति की तलवार को देखा तो वो जल्लाद भी पहली बार कांपा। उन्होंने कहा क्या देख रहा है? बोले यही देख रहा हूँ कि तलवार गर्दन पे कैसे लगती और गर्दन कैसे कटती, अब तो और कांपने लगा। कई बलियां दी थी पर ये पहली बार ऐसा आदमी मिला जो ये कह रहा है कि देखते हैं कि गर्दन कैसे उतरती है। उसने कहा देख थोड़ी देर में मर जाएगा। बोले यही तो देखना चाहता हूं कि मरते कैसे हैं। जैसे ही उसने तलवार इनकी गर्दन तक लाई, जड़ भरत इसके पहले मुस्कुराते हुए देखें भद्रकाली प्रकट हो गई, और भद्रकाली ने प्रकट होकर उन सब का वध किया। और जैसे ही वध हुआ ग्रंथकार ने तुरंत लिख दिया एवमेव खलु महत् अभिचार अतिक्रमकारस्ते नात्मनि फलते। ग्रंथकार लिख रहे हैं कि महापुरुषों के प्रति अपराध करने से फल लौट कर आता है। कभी किसी भले आदमी, किसी भक्त,
किसी संत, किसी गुरु, और बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी भी व्यक्ति के प्रति अपराध मत करिएगा, लौट के आएगा। लौट के आया क्योंकि जिसकी पीठ पे भगवान का हाथ है आप उससे वैर क्यों ले रहे हैं। जड़ भरत की कथा हमको ये समझा रही है सज्जनों देवियों, मैंने पहले भी कहा जड़ भरत होने का अर्थ ये नहीं है कि वो मूर्ख थे, जड़ भरत होने का अर्थ है आग्रह का अभाव हो जाना। जिस दिन आपके जीवन में आग्रह का अभाव हो जाए कि कोई आग्रह नहीं है, जो होने दे रहे हैं होने दीजिए, जो मिल रहा है ले लेंगे, नहीं मिल रहा है अपना नहीं था, ये जड़ भरत की कथा है। जड़ भरत का एक साधारण भाषा में अर्थ भोलापन, अपने भीतर के भोलेपन को खत्म मत करिए। इस लगातार दौड़ती दुनिया में, इस लगातार छीनती झपटती दुनिया में हम लोग दौड़ में ऐसे शामिल हो गए कि हमने अपने भीतर के भोलेपन को ही मार डाला। ये बात सही है कि दुनिया में कुटिलता, समझदारी, सियाणापन, अकल ये सब चलती है, बाहर चलाइए लेकिन भीतर से सदैव भोले बने रहिए, क्योंकि भगवान आपकी बाहरी योग्यता नहीं देखता, वो तो संसार देखता है। संसार बने वाला तो भीतर का भोलापन देखता है। आपकी कोई उम्र हो भीतर के भोलेपन को खत्म मत करिए, भगवान आपका भोलापन नापता है। और आज जो लोग नजर आ रहे हैं उनको देख के तो लगता है कि संसार से भोलापन लगभग समाप्ति हो गया। भगवान वो फरमा ही कहीं रख के भूल गया जिसमें भले और भोले लोग पैदा होकर नीचे आया करते थे। जिसको देखो वही आंका बांका चला आ रहा है। किसी घर में एकाध बच्चा यदि भोला हो जाए तो माँ बाप उसको ठोक बजा के बांका बनाते, खाएगा क्या पिएगा क्या। भोले की पीठ पे भगवान का हाथ होता है। जिस दिन हमारे भीतर भोलापन जागता है ना, परमात्मा पीछे आके खड़ा हो जाता है। और जिस दिन हम कुटिल हो जाते हैं, अति योग्य होने लगते हैं, भगवान फिर कहता है खुद ही चला ले तू। अब जड़ भरत का अर्थ है अपने भीतर के भोलेपन को कभी खत्म करें सुचरो देवियों। जड़ भरत उस राजा से बचकर भी जब चले तो ऐसा कहते हैं सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी में बैठकर सत्संग करने जा रहे थे। एक कहार की तबीयत खराब हो गई तो उसको हटाना पड़ा। पालकी में एक कहार कहां से लाएं, तो सैनिकों ने कोई हष्टपुष्ट देखा तो ये मिल गए। इनसे कहा आओ भाई राजा की पालकी उठा लो, जड़ भरत को मना तो करते ही नहीं थे, उठा लेंगे। और जब चलने लगे तो देखा पैर के नीचे कोई कीट पतंग ना आ जाए, तो कभी पैर इधर रखें कभी पैर उधर रखें। राजाओं की पालकी के कहार इतने दक्ष हुआ करते हैं कि पेट का पानी नहीं हिलता, लेकिन यहाँ तो पूरे ही हिल रहे राजा जी, तो कूद के नीचे आए। राजा जी ने कहा कौन मूर्ख चलाता है ये पालकी, उनको बताया ये व्यक्ति है नया है। तो राजा जी ने जड़ भरत को देखा तो जोर से डांट के कहा तू जानता नहीं है ऐसे पालकी चलाई जाती, कैसे चला रहा है। जड़ भरत ने कहा महाराज पालकी मैं थोड़ी चला रहा, मेरा शरीर चला रहा है। अब तो राजा ने कहा अच्छा ये नई बात लाया, तू नहीं चला रहा तेरा शरीर चला रहा। बोले हाँ महाराज मेरा शरीर चला रहा है। अब तो राजा को गुस्सा आया, उन्होंने कहा तू जानता है मैं कौन हूं। जड़ भरत ने कहा राजा जी आप जान गए आप कौन है, लोगों को कई जन्म लग जाते हैं ये जानने में मैं कौन हूं, आप जान गए। अब तो राजा का भी माथा ठनका कि जिस आदमी से बात कर रहा हूं है तो निराला, आंख में आंख डाली और सम्मोहित हो गए। एक बात याद रखिए देवियों और सज्जनों, किसी भी संत की तपस्या न तो हाथ से बोलती है न शरीर से न वाणी से। वाणी की बाजीगरी तो कोई भी अभ्यास से कर लेता है। अगर किसी संतत्व को जानना हो किसी संत के तो आंख में आंख डाल के देखिएगा। तपस्या आंख से बोलती है और आपको मिलेगी। सौवीर देश के राजा ने आंख में आंख डाली, एक बार तो लगा कोई सिद्ध संत है, चरणों में प्रणाम करके पूछा महाराज आप कौन हैं, जिन कपिल मुनि के यहां मैं ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूं क्या आप वही तो नहीं है, अपना परिचय दीजिए। और यहां जड़ भरत और राजा
रघु सौबीर देश के राजा रघुगण की बड़ी लंबी बातचीत हुई है, भागवत में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, पर हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रसंग से हमको एक बात तो ये सीखना है, अपने भीतर के भोलेपन को मत समाप्त करिए। दूसरी बात, जैसा कि जड़ भरत जी ने राजा से कहा, राजा जी आप पालकी में बैठ के सत्संग करने जा रहे हैं, सत्संग करना मतलब भगवान की अनुभूति करने जा रहे हैं, धर्म अर्जित करने जा रहे हैं, पुण्य का सृजन करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा प्राप्त करने जा रहे हैं जो संसार में नहीं मिलता। जैसे आप कुंभ में आए तो उन्होंने पूछा आप पालकी में बैठ के जा रहे हैं। दो बातें हैं, पालकी में बैठ के जाने का एक अर्थ तो है कि राजा बन के जा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आपको ये भेद है, ये अहंकार है कि मैं बड़ा हूं। जिस दिन और जब तक आपके भीतर अहंकार है तब तक सत्संग मिल नहीं सकता, सत्संग हो नहीं सकता, तो गिराना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति को सत्संग में भगवान सरलता से मिल जाता है, श्रेष्ठ को बड़ी ताकत लगेगी। और दूसरी बात, आप पालकी में बैठ के जा रहे हैं मतलब कंधे पे चढ़ के जा रहे हैं, दूसरों के कंधे पे चढ़ के कभी भगवान नहीं मिला, भगवान मिलने के लिए खुद चलना पड़ता है, ये क्या कर रहे हैं आप। ऐसे सौवीर देश के राजा रघुगण से उनकी बातचीत होती है, और यही आके ग्रंथकार ने पांचवें स्कंद का समापन किया। भाव श्रद्धा से बोलिए श्री भागवत भगवान की। आइए सज्जनों देवियों, अब हम चल रहे हैं छठवें स्कंद में। प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित जी सुखदेव से, महाराज ये बताइए आपने अब तक हमको सब सुना दिया, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज नरक न जाने के कितने तरीके हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है, नरक कोई नहीं जाना चाहता, और क्यों जानना चाहेगा नरक। ये अलग बात है कि हम अपने ही आसपास नरक बना लेते हैं अपने जीवन को, पर नरक कोई जाना नहीं चाहता। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नरक यदि न जाना हो तो तीन काम करना, ध्यान अर्चन और नाम। ये नाम नया आया है भागवत का, ये मौलिक प्रसंग है सज्जनों देवियों। ध्यान पे तो हम कई बार बात कर चुके हैं, मेडिटेशन करिए मेडिटेशन करिए, अर्चन पूजा करते ही हैं, अभी भी आपने यज्ञ किया हवन किया जो भी है, लेकिन यहां भागवत एक शब्द जोड़ रही, नाम। भागवत कह रही है नाम जपने से भी नरक से बच सकते हैं, नाम का बहुत महत्व है। मंत्र को भी नाम कहते हैं, भगवान का नाम यदि व्यवस्थित रूप से गुरु से मिले तो मंत्र बन जाता है। तो नाम हो के मंत्र हो यदि ठीक से जीवन में उतर जाए तो आप नरक से मुक्ति पा सकते हैं। नरक मतलब अशांति, नरक मतलब परेशानी, नरक मतलब दिक्कत। लेकिन नाम मनुष्य के जीवन में क्या कर सकता है, अब इसका प्रसंग आया, और बड़ा सुंदर प्रसंग है। शरीर मन और आत्मा को समझना पड़ेगा, मेडिटेट। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का। इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे।